उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कुछ वक्त ही शेष है, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। एक तरफ जहां सभी राजनीतिक दल जनसंपर्क में जुट गए हैं, वहीं गठबंधन का दौर भी शुरू हो गया है। इस बार यूपी का विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास होने वाला है। सबसे खास बात यह है कि इस बार यूपी चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी जैसी बड़ी पार्टियों के अलावा कई छोटे राजनीतिक दल भी दम ठोकते नजर आएंगे। इसमें आम आदमी पार्टी, ओएससी की आईएमआईएम के अलावा रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी भी शामिल है। इतना ही नहीं, राजा भैया जनसेवा संकल्प यात्रा पर भी निकल गए हैं। राजा भैया की ये तीसरी जनसेवा संकल्प यात्रा है, जिसकी शुरुआत मंगलवार को लखनऊ से हुई। राजा भैया की ये यात्रा समाजवादी पार्टी के गढ़ इटावा, मैनपुरी और आगरा से होते हुए मथुरा तक जाएगी। शैलेंद्र जी, आप सब लोगों का अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वर्ष 2018 30 नवंबर आपके दल का, जनसत्ता दल का गठन हुआ। बाद में कोविड के कारण सभाएं करना, जनसंपर्क करना, मीटिंगें करने, ऐतिहासिक स्थिति के गवाह भी हैं। बहुत से लोग यहाँ से पधारे थे, उसका वर्धन किया था। आज पूरे प्रदेश में जहाँ जा रहे हैं, बड़ी संख्या में हर समाज के लोग, नौजवान, बुजुर्ग, किसान, सभी लोगों का आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है। इस दौरान राजा भैया ने अपने चुनावी प्लान के बारे में भी बात की। उन्होंने साफ किया कि उनकी पार्टी 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीटों की यह संख्या बढ़ भी सकती है। राजा भैया ने कहा कि लोगों की इच्छा है कि हमारी पार्टी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी उम्मीदवार उतारे। राजा भैया ने अपनी चार जनसेवा संकल्प यात्रा में से पहली यात्रा की शुरुआत अयोध्या से की थी। जब उनसे अयोध्या से ही यात्रा की शुरुआत करने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं। आजकल बहुत लोग श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या जा रहे हैं। अन्य दलों के लोग भी प्रभु श्री राम की शरण में जा रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। राजा भैया ने जनसत्ता दल को अन्य दलों से अलग बताते हुए कहा कि मैं कई बार विधायक रहा हूँ। नया दल इसलिए नहीं बनाया कि पार्टी में उपेक्षा हो रही थी। नया दल इसलिए बनाया क्योंकि लोगों की मांग थी। विधानसभा का सदस्य रहते पिछले 28 साल में बहुत बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। मेरे लिए सौभाग्य है कि कल्याण सिंह, राम प्रकाश, राजनाथ जी, नेताजी, अखिलेश जी सबसे मेरे अच्छे संबंध हैं। गठबंधन के सवाल पर राजा भैया ने साफ किया कि बीजेपी या किसी भी दल के साथ गठबंधन के लिए कोई बात नहीं हुई है, लेकिन हमारे सबके लिए दरवाजे खुले हैं, आगे देखा जाएगा। उन्होंने शिवपाल यादव को लेकर सवाल पर कुछ कहने से इनकार किया और कहा कि शिवपाल यादव का अलग सम्मान है। अब राजा भैया किस पार्टी से गठबंधन करेंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल उन्होंने चुनावी ताल ठोक दी है और अपनी जनसेवा संकल्प यात्रा की शुरुआत भी कर दी है।